कांडू का मुश्किल क्या है? वो कैरमपुल का यूट्यूबर है और वो बड़ा टेबल नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि बड़ा टेबल जो है न्यूयॉर्क सिंगापुर का, वो बीटेम वालों के लिए है, जो बीटेम से तो हम खेलते नहीं है, या तो फेयर लेजेंड्स के लिए है और वो भी हम नहीं है। हम लुलु से कभी कभार खेल लेते हैं, लेकिन अभी लुलु का वीडियो डालना यूट्यूब पे वो भी खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशंस पे है हम। जो भी हो, मैं बात कर रहा था इस वीडियो पे, पिछला एक हमने एक शॉर्ट्स डाले थे इस चैनल पे, सिर्फ दो ही शॉर्ट्स है वैसे तो। पिछला एक शॉर्ट्स हमने डाले थे एट बॉल पूल को लेकर, तो उस वीडियो पे, और मैं, मेरा ख्याल से आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, उसमें आप सब में मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट 70% लोगों को तो मालूम ही होगा एट बॉल पूल नाम का एक गेम प्ले है, एक गेम है जो इसी मिनी क्लिप का ही है। कुछ कमेंट मेरे को थोड़ा सा हैरान में डाल दिया कि कुछ भाई लोग हैं, जैसे अनूप कलिटा हो गया, ये अंकित भाई हो गया, हाँ राजदीप भाई है, तो इन भाइयों ने बोला उन लोगों को आता नहीं है गेम प्ले करना। तो एक रिक्वेस्ट भी आया था कि अगले वीडियो पे हम थोड़ा बताएं इस गेम को खेलता कैसे है। तो हमने सोचा क्यों ना एट बॉल पूल का जो बेसिक है, जो रूल्स है, कैसे खेलना है इसको, जो बेसिक रूल्स है वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं इस वीडियो पे। तो ये आ गए हम एट बॉल पूल पे, कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्ले 1:1 है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही यहाँ का सबसे मेन जगह है, मेन टेबल है, जहाँ पे आपको सारे वैरायटी का टेबल मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, हमारा जैसे कैरम पूल में पक्स होता है, यहाँ पे बॉल होता है। यहाँ पे बस दो किस्म का बॉल है, एक हो गया सॉलिड यानी एक ही रंग का बॉल हो पूरा कंप्लीट, और दूसरा हो गया स्ट्राइप्स यानी जिस बॉल पे एक अलग कलर का स्ट्राइप्स हो। यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड नहीं होता कि कौन सॉलिड को लेगा या फिर कौन स्ट्राइप्स को लेगा, किसका कौन सा होगा, ब्रेक का बाद वो डिसाइड होता है। अब अगर ब्रेक का दौरान कोई भी बॉल चला जाता है, किसी भी शेड का, सॉलिड हो या स्ट्राइप्स हो, कोई भी बॉल चला जाता है, उससे ये डिसाइड नहीं होता किसका होगा, वो कौन कौन सा कलर लेगा, ये डिसाइड नहीं होगा। ब्रेक का बाद जो पहला बॉल जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो या स्ट्राइप्स हो, चाहे आप मारो या आपका ओपोनेंट मारे, पहला बॉल जो पॉकेट करेगा। अब जैसे यहाँ पे ओपोनेंट ने पहला बॉल पॉट किया वो है सॉलिड, तो उसका बन गया सॉलिड, और रिमेनिंग और बाकी क्या रहा, स्ट्राइप्स, तो स्ट्राइप्स हो गया हमारा। और महत्वपूर्ण जो एक बात है वो है ये एट बॉल पूल नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो ब्लैक बॉल है वो आठ नंबर का बॉल है। ब्लैक बॉल है, इसको आपको अपना सारा बॉल्स खत्म करने का बाद ही पॉकेट करना है, इसमें आप ब्लैक बॉल को पॉकेट नहीं कर सकते। अगर आप गेम प्ले का दौरान आपका बॉल अभी भी बाकी है और आपने ब्लैक बॉल को पॉकेट कर दिया बीच में, तो आप गेम हारे। जैसे अभी आप सिचुएशन को देखिए, हमारा ओपोनेंट का है सॉलिड बॉल, क्यों देखिए कहाँ पे है, अभी वो फंस गया है, अभी यहाँ से कोई भी बॉल को वो पॉकेट नहीं कर सकते, लेकिन उनको स्टार्ट अपना ही बॉल से करना है। अब उन्होंने एक पॉकेट तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें जाने का चांस नहीं है, फिर भी वो एक ट्राई ले रहे हैं। अब ट्राई लेने के चक्कर में हुआ क्या है, देखिए ब्लैक बॉल को उन्होंने पॉकेट कर दिया, और हमने अभी तक कोई भी बॉल अपना पॉकेट नहीं किया, लेकिन जैसे कि उन्होंने ब्लैक बॉल को पॉकेट कर दिया तो गेम वो हार गए और हमको ऐसा ही विन मिल गया। तो ब्लैक बॉल को हमेशा सबसे आखिर में ही पॉकेट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। और दूसरा महत्वपूर्ण रूल ये है कि आप जब भी गेम प्ले का दौरान, जब जैसे डिसाइड हो गया आपका कलर कौन सा है, आप क्या सॉलिड बॉल से खेल रहे हैं या आप स्ट्राइप्स पे है, तो जो भी है, अगर मान लीजिए आप स्ट्राइप्स पे है, तो आप जब भी हीट करेंगे तो पहला ये जो क्यू है, जो क्यू बॉल है, जिसको हम कह सकते हैं हमारा कैरम पूल का भाषा में स्ट्राइकर,
तो आपका क्यू बॉल सबसे पहला हिट आपका कलर का बॉल पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओपोनेंट का बॉल लेके अपना बॉल पे कनेक्शन बनाओ, ये नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे सिचुएशन देखिए, हमारा कलर क्या है, हमारा कलर है स्ट्राइप्स, तो मैं इस पोजीशन से कैसे भी हो अपना स्ट्राइप्स तक मैं डायरेक्ट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ। बॉल पहला हिट मुझे अपना बॉल पे करना है, किसी भी स्ट्राइप्स पे पहला हिट करना है। और यहाँ पे देखिए, हमारा बॉल से पहुँचने से पहले ओपोनेंट का बॉल पे टच हो गया। अब ये क्या हुआ, ये हो गया फाइन। और जब फाइन होगा तब क्या होगा, ओपोनेंट अपना हाथ पे क्यू बॉल लेके वो अपना हिसाब से कहीं पे भी बिठा के गेम प्ले चालू कर सकता है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर गेम प्ले पे ले जाते हैं, और अभी तक जितना भी हमने चीज़ कहे हैं उसको बिल्कुल गेम प्ले के दौरान आपको समझाते समझाते जाएंगे। तो एक दुबई का गेम प्ले कनेक्ट करते हैं, घबराई मत, वो हमारा कैरम पूल का दुबई नहीं है। ये भी एक छोटा सा ही टेबल है, 8 बॉल पूल का हिसाब से 1 मिलियन का टेबल है। तो हमारा गेम कनेक्ट हुआ ट्रांस से। तो हमारा ब्रेक है, आप ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम बाद में किसी वीडियो पे दिखाएंगे आपको। तो ब्रेक किए और इधर देखिए कितना सारा बॉल एक साथ पॉकेट हो गया भाई। ऐसा ब्रेक तो हम कैरम पूल पे नहीं कर सकते वैसे। यहाँ पे देखिए, दो स्ट्राइप्स और एक सॉलिड बॉल पॉकेट हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको बोर्ड का पोजीशन कायदे से देखना है। आपको देखना है क्या स्ट्राइप्स बॉल ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन पे है या फिर सॉलिड बॉल ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन पे है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। क्योंकि आप जैसे ही एक बॉल को पॉकेट कर दोगे, वो जिस कलर का होगा वही आपको खेलना है आगे। तो हमको क्या लगा, हम एक सॉलिड बॉल को पॉकेट कर दिए और अब हमको पूरा गेम सॉलिड ही खेलना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, आप सॉलिड कलर बन गया हमारा कलर, और ऑटोमेटिकली हमारा ओपोनेंट का बन गया स्ट्राइप्स। पॉकेट भी पहले से डिसाइड करना है। अब जिस पॉकेट को सिलेक्ट करेंगे उसी पॉकेट पे ही आपको अपना बॉल घुसाना है। अब जरूरी ये नहीं कि आप जिस बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं अपना बॉल, वही बॉल उस पे घुसे, लेकिन उस पे उस पॉकेट पे घुसना है आपका कलर का कोई भी बॉल। लेकिन जो कुछ 2,000-5,000 का टेबल्स है, वो छोटे टेबल्स पे आपको पहले से पॉकेट सिलेक्शन करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पॉकेट में डाल सकते हैं, बस अपना कलर का बॉल होना चाहिए। अभी आप लोग पोजीशन देखिए, हमारा बस दो बॉल बाकी है, ये रेड एंड ग्रीन, लेकिन इसको हम कहीं से पॉकेट नहीं कर सकते। फिर भी हमने बॉटम वाला पॉकेट को सिलेक्ट किए हैं और अटेम्प्ट लिए है एक रिवर्स का। रेड पे तो हमारा क्यू टच ही नहीं हुआ, अब ब्लैक को टच कर लिए, यानी अपना बॉल को हम टच नहीं किए, तो ये हो गया फाउल। अब जैसे ही फाउल हो गया भाई, ओपोनेंट का हाथ में बॉल आ गया। अब वो अपना एडवांटेजेस से बॉल कहीं भी बिठा के, क्यू बॉल को कहीं भी बिठा के खेलेगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए कनेक्शन तो उनका चला गया। फिर अभी उनका जो उनको अभी उन्होंने ये वाला बॉल को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या मजे की चीज क्या होता है, देखिए ये बॉल तो चला गया भाई, लेकिन उधर उनका क्यू बॉल फाउल हो गया, पॉकेट हो गया। अब हमारा हाथ में बॉल आ गया भाई, अब हम बॉल को अपना एडवांटेज के हिसाब से बिठाएंगे भाई, और यहां से गेम को फिनिश करना है। बस एक ही बॉल बाकी है, अब ये ग्रीन को पॉकेट करेंगे, उसके बाद हमको आखिर पे ब्लैक को पॉकेट करना है। अब एक स्पिन देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फाउल हो सकता है। स्पिन का ट्यूटर हम आगे लाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। हमारा क्यू का पोजीशन भी बहुत स्मूथ पोजीशन पे आ गया। अब आखिर में ब्लैक बॉल को पॉकेट करते हैं और ये गेम बन गया हमारा। इस महीने का जो इवेंट चल रहा है 8 बॉल पूल पे, वो है क्रिम्शन मून। और यहाँ पे बड़ा मजे की चीज है, यहाँ पे देखिए आपको चूज करना है कोई में से एक भी, दोनों में से एक भी साइड आपको चूज करना है। क्या आप
ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगे या फिर आप कर्स लेना चाहेंगे, आप कौन सा साइड में जाएंगे? यानी कि अगर आप ब्लेसिंग लेंगे तो जितने भी बंदे ये ब्लेस ट्राई का ब्लेस को चूज किया है वो अगर 26 तारीख तक देखा जाएगा, अगर वो जीता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने वो राइट साइड को चूज किया है। और अगर आपने कर्स साइड को चूज किया है, कर्स स्ट्राइकर नहीं क्यों लेते हैं आप, कर्स मून इस साइड अगर जीतता है, अगर कर्स मून साइड जीतता है तो ऑब्वियसली उसका आपको बेनिफिट मिलेगा 26 तारीख को। तो मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोग इस कर्स मून को ही लिए होंगे। ब्लेसिंग असल जिंदगी में सबको ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन जब गेम प्ले का बात होता है तो चीजें अलग हो जाता है। गेम प्ले में ना ये कर्स शब्द ब्लेसिंग से ज्यादा कूल सुनने में आता है, भगवान से ज्यादा कूल डेविल सुनने में आता है, जिस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे गेमिंग आईडीज होगा जहां पे आपको जीसस का प्रोफाइल मिलता हो, आपको डेविल का सैतान का प्रोफाइल मिलेगा, लूसीफर का प्रोफाइल मिलेगा, लेकिन जीसस का प्रोफाइल आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि गॉड से ज्यादा डेविल ज्यादा कूल सुनने में आता है। स्पेशली अगर हम गेमिंग का दुनिया का बात करें तो जिस चलते हमने तो ऑब्वियसली ये कर्स मून वाला स्ट्राइकर को ही, फिर बार बार हमारा मुंह से स्ट्राइकर निकलता है, क्यों कोई हमने सिलेक्ट किया है। अब 26 तारीख को रिजल्ट आएगा और आई एम वेरी श्योर कि ज्यादातर अच्छे प्लेयर्स ये कर्स साइड में गए होंगे, ब्लेसिंग में बहुत कम लोग गए होंगे। अब इस 8 बॉल पूल पे और भी कई सारे दो चार मोड है, जैसे कि टूर्नामेंट हो गया विदाउट गाइडलाइंस हो गया, और एक है 9 बॉल पूल, तो वो आपको इस कैटेगरी में मिल जाएगा, इस स्पेशल कैटेगरी में 9 बॉल। ये 9 बॉल का जो रूल है वो और भी अलग है और वो और भी सिंपल है। 9 बॉल में क्या है, जितना भी बॉल्स है उसमें से ऐसा नहीं है कि ये कलर हमारा है ये कलर आपका है, ऐसा नहीं है। वहां पे जिस सीक्वेंस में बॉल रखा है 1-9 उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। जैसे ही आपका टर्न आएगा तो जिस नंबर पे हाईलाइट होगा, जो नंबर बिल्कुल सीक्वेंस में, मान लीजिए अभी पहला हिट आपको एक नंबर पे ही करना है, फिर दूसरा बॉल आपको दो नंबर वाला ही बॉल पॉकेट करना है या फिर उसी पे आपको हिट करना है। अगर आप मान लीजिए आपको सेकेंड वाला बॉल हिट करना था लेकिन आपने फोर्थ वाला बॉल को हिट कर दिया या पॉकेट कर दिए तो फाउल। यहाँ पे एक सबसे मजे की बात क्या है 9 बॉल पे, जैसे कि ब्लैक बॉल पहले पॉकेट करने से गेम खत्म हो जाता है और जो भी ब्लैक बॉल को पहले पॉकेट कर देगा अपना बॉल फिनिश करने से पहले वो गेम हारा। लेकिन 9 बॉल पूल पे क्या है, आपको पहला हिट तो उसी बिल्कुल सीक्वेंस पे ही करना है, जो बॉल हिट करना है जिस नंबर का टर्न है, जिस बॉल का टर्न है उसी पे आपको हिट करना है। लेकिन उस चलते अगर आप 9 बॉल को कैसे भी हो पॉकेट कर देते हो अपना सीक्वेंस वाला बॉल को हिट करते हुए तो आप गेम जीत गए। यहाँ पे देखिए भाई साहब का ब्रेक था और ऑब्वियसली भाई साहब को पहला बॉल जिस पे हिट करना है वो एक नंबर का बॉल है, तो भाई साहब ने एक नंबर का बॉल पे हिट किया और 9 नंबर बॉल ही पहले ही पॉकेट हो गया और पूरा गेम वो जीत गया और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन पहला हिट आपको बिल्कुल सीक्वेंस पे करना है, तो कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे एक और सिचुएशंस देखिए, यहाँ पे देखिए हमको एक टर्न मिला, अब हमको कौन सा वाला बॉल हिट करना है, आप 5 नंबर बॉल सीक्वेंस पे है तो हमको 5 को ही हिट करना है। लेकिन हमने देखा हम 5 को हिट करते हुए हमारा सामने मुंह का सामने 9 बॉल रखा हुआ है पॉकेट का सामने, तो हम 5 को हिट किए और 9 बॉल पॉकेट हो गया और गेम हमारा हो गया। अब आप लोग ये गलत से भी मत सोचना कि गांडू अभी 8 बॉल पूल का प्लेयर बनने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आई कैनॉट कम्पीट देम। यहाँ का जो प्लेयर्स है भाई, जो टॉप लेवल का प्लेयर्स है 8 बॉल पूल का, कैरम पूल पे तो हम लुलू का साथ कभी कभी किसी को भी टक्कर दे भी सकते हैं, वो तो भाई हमारा लक अगर चल गया। लेकिन 8 बॉल पूल जो है भाई, यहाँ पे भाई टॉप प्लेयर्स का साथ कोई मैंने कोई चांस ही नहीं है हमारा। ये पीटर भाई हमारा पिछले कई 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 सारे वीडियो पे कमेंट करते आ रहे हैं कि हम ग्रैनी चैप्टर 2 खेले,
वो एक हॉन्टेड गेम है और काफी पॉपुलर गेम है हमको मालूम है, लेकिन इस टाइप का गेम हम काफी दिनों से नहीं खेले। हाँ, मैं काफी दिनों यानी काफी साल से हम बचपन में खेले थे इस टाइप का गेम, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना अच्छा खेलूंगा या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हम बहुत तेज उनका रिक्वेस्ट भी रखने वाले हैं। तो जो भी हो, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत तेज मिलते हैं आप लोगों से एक और नया वीडियो पे।